Alright, what's going on, my lovely and dear people out there? Welcome to Just Padle. और इस वीडियो के अंदर मैं स्टार्ट करने से पहले बता देता हूँ, तुम्हारे लिए इतनी खतरनाक अनाउंसमेंट्स करना हूँ इस वीडियो के अंदर, जो तुमको सुन के लगेगा कि भाई ये तो मजा ही आ गया, मतलब जो प्रॉमिस किया था वो इस चैनल के ऊपर अब होने वाला है। तो वो सारी चीजें इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इसको बहुत शॉर्ट क्रिस्प रखेंगे। हमको 30 दिन का एक प्लानर बनाना जिसमें हम हमारा मैक्सिमम पोर्शन ऑफ सिलेबस कंप्लीट कर लें, और जो भी रिसोर्सेज तुमको लग रहे हैं वो मैं तुमको बता दूं कि भैया किस किस चीज की तुमको जरूरत है, ताकि तुमको आगे चल के जब तुम प्रिपेयर करना चालू करो तब तुमको कोई समस्या ना आए। कोई फर्क नहीं पड़ता तुमने आज से पहले कुछ पढ़ा हो नहीं पढ़ा हो, इस बात से बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता। आज के बाद से जो चीजें होने वाली है उस चीज का तुमको बस ध्यान रखना है। तो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं, तो फटाफट सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो, क्योंकि यहां पर ऐसे बहुत मस्त मस्त वीडियो आता रहता है। अगर तुम नए हो तो तुमको नहीं पता है कि चैनल की वाइब क्या है, तो तुम इस चैनल का कोई भी एक लेक्चर उठा के देख लो, तुमको लगेगा ये लेक्चर तो है नहीं, ये तो बस मस्ती कर रहे हैं यहाँ पे, और मस्ती के बाय प्रोडक्ट में तुम्हारी पढ़ाई भी हो जाती है। ठीक है, तो अभी तक जो लेक्चर्स आ रहे थे वो सब आते रहेंगे, और आज मैं तुमको प्लानर भी बताने वाला हूं, तो जिसका तुमको सबसे ज्यादा इंतजार रहता है वो हो जाएगा। और अगर तुम लग रहे हो तो इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो मुझे जाकर फॉलो कर लो @konpranay, और अगर पढ़ले का फॉलो नहीं किया तो @padle.in जाकर इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, ताकि तुमको सारे अपडेट्स वगैरह मिल जाए। टेलीग्राम ग्रुप्स वगैरह भी जितने भी चैनल सब ज्वाइन, मतलब जहां जहां भी पढ़ले दिखाना सब ज्वाइन कर लो तुम तो बस। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हमारी कक्षा नवी की टर्म टू की परीक्षा आने वाली है, कुछ चीजें अनसर्टेन है, उन चीजों को हम अकाउंट में लेंगे कि भैया एग्जाम जो होने वाला उसका पैटर्न कैसे होगा। अभी देखो कोरोना जो है बहुत ऐसे रफ्तार पकड़ रहा है, कोरोना चाहता ही नहीं कि तुम्हारी एग्जाम हो ढंग से, तो अभी हो सकता है कि पैटर्न में कुछ चेंज हो जाए, या फिर पैटर्न थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाए, फिर एग्जाम पता पोस्टपोन हो जाए, क्या पता, मतलब किसी को कोई आइडिया नहीं क्या होने वाला है। तो हमको हमारी प्रिपरेशन सारी तरीके से करनी, ठीक है, तो एमसीक्यू हो जाए तो भी हमको प्रिपेयर रहना है, सब्जेक्टिव हो जाए तो भी हमको प्रिपेयर रहना है। ठीक है, वैसे ज्यादा कुछ डिफिकल्टी आएगी नहीं तुमको इसमें। अब देखो हमारे पास में मेनली जो है कुछ कुछ जो देखो ज्यादा टाइम में वेस्ट नहीं करूंगा, फटाफट तुम लोगों को एक प्लानर बताऊंगा और तुम लोगों को बताऊंगा कि तुमको यहां पर क्या क्या रिसोर्सेस मिलने वाले हैं। ठीक है, अगर तुम नए हो तो तुमको नहीं पता है सच्ची अभी के चैनल के ऊपर लेक्चर्स कैसे आते हैं, मैं तुमको गारंटीड बता दूंगा कि ऐसे लेक्चर्स जो हैं तुमको शायद ही कहीं भी मिलेंगे, जहां पर ऐसे नाच नाच के बिल्कुल ऐसे गोल मटोल होकर सब पढ़ा रहे हैं। ठीक है, इधर उधर के गट्टू बिट्टू सबको हमने घर परिवार के सारे लोगों को इकट्ठा कर लिया और उसके बाद में लेक्चर्स मिल रहे तुमको, तो वो चीज तुमको बहुत कम देखने को मिलेगी। बट एनी विच वे अगर मैं तुमसे अभी बात करूं तो हमारे पास में क्या क्या चीजें हैं। देखो सबसे पहली चीज हमारे पास में, अगर मैं क्लास 9 टर्म 2 के बारे में बात करूं तो हम सारे सब्जेक्ट्स को लेकर चलते हैं। ठीक है, ये एक ओवरऑल वाइब दे रहा हूं मैं तुमको, फिर हम सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजीज तो डेफिनेटली करेंगे, पर अगर मैं तुमको एक ओवरऑल वाइब दूं ताकि तुमको एक आइडिया लगे कि भैया हमको टर्म 2 के लिए अब आगे कैसे बढ़ना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने सोचा था कि भैया न्यू ईयर में पढ़ेंगे आप 2-3 दिन पढ़ के और क्या करेंगे, तो न्यू ईयर वाली वाइब तुमको दूंगा और न्यू ईयर के कुछ सरप्राइजेस भी तुमको दूंगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें क्लास 9 टर्म 2 के प्लान की, तो मेनली देख लेते हैं हमारे पास में सब्जेक्ट्स कौन कौन से। तो सब्जेक्ट्स हमारे पास में भैया साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश, मैथ्स, कंप्यूटर्स और हिंदी। ठीक है, कंप्यूटर्स और हिंदी, तो या तो तुम्हारे पास में कंप्यूटर्स होगा या फिर हिंदी होगा। तो आज हम सिर्फ ऐसी बात नहीं करेंगे कि मेन मेन सब्जेक्ट पढ़ लो बाकी सब देख लेंगे, आज सारी चीजों का हमें बात करना है। ठीक है, चलो शुरुआत से शुरू करते हैं। हमारे पास में है साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश, मैथ्स, कंप्यूटर्स और हिंदी। सबके अंदर लगने वाली एक स्ट्रेटजी कॉमन रहेगी, वो ये है कि तुमको फ्लो मेथड का यूज करना है, जो मैंने तुमको लास्ट वीडियो के अंदर बताया था, स्पेसिफिकली साइंस के लिए या सोशल साइंस के लिए, किसी भी चैप्टर के लिए, किसी भी सब्जेक्ट के लिए तुमको सेम मेथड यूज करना है। फ्लो मेथड हमको क्या बोलता है कि भैया सबसे पहले हमको किसी भी चैप्टर का लेक्चर देखना है, उसके बाद उसकी एनसीईआरटी रीड करनी है, चाहे हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस, साइंस कुछ भी हो, मैथ्स के अंदर यही चीज हम एनसीईआरटी सॉल्व करेंगे, उसके अंदर तुमको एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, उसके बाद में हमको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने हैं, ये बात बहुत जरूरी है, और उसके बाद में कहीं जाकर हम कह सकते हैं हम चैप्टर के अंदर बहुत सही हो चुके हैं। ठीक है, तो लेक्चर देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सही वाली बात है, उसके अंदर तुम यहां से देखते हो तो उसका भी तुमको एनसीईआरटी रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन। देखो ये चीज मैं बार 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 रिपीट कर रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं एक ही चीज बार बार बोल रहा हूं, मतलब वही है, पर कहने का मतलब मेरा यहां पर ये है कि तुम उस चीज को सोचो कि वो कितनी इंपॉर्टेंट होगी, इसलिए मैं तुमको बार बार बोल रहा हूं। ठीक है, चलो तो हमारे पास हम 6 सब्जेक्ट है मेनली। अब इन 6 सब्जेक्ट के लिए हमको स्टार्टिंग, मतलब पहला कदम कैसे रखना, पहले कदम में हमारे पास में कुछ मस्ट हैव रिसोर्सेस होने चाहिए। मस्ट हैव रिसोर्सेस के अंदर तुम्हारे पास में यार नोट्स होने चाहिए, लेक्चर्स होने चाहिए, एनसीईआरटी होनी चाहिए और कुछ एक क्वेश्चन बैंक होनी चाहिए जिसके अंदर तुम्हारे पास में क्वेश्चंस की भरमार हो, क्योंकि समस्या भी ऐसी कि भैया एमसीक्यू पेपर भी हो सकता है और सब्जेक्टिव पेपर भी हो सकता है, तो उस चीज को ध्यान रखना है हमको। ठीक है, और उसके बाद में लेटर ऑन हम सैंपल पेपर, सैंपल पेपर अभी नहीं उठाना बिल्कुल भी, सैंपल पेपर हम तब उठाएंगे जब हमारे पास में सीबीएसई की तरफ से सैंपल पेपर आ जाएंगे। अभी के टाइम पे तुम्हारे पास में ये 4 मस्ट हैव रिसोर्सेस होने चाहिए, क्योंकि लेक्चर्स में तुम्हारी पढ़ाई हो रही है, नोट्स में तुमको एक रिवीजन मिल रहा है, ठीक है, एनसीईआरटी तो तुम्हारे पास हो गया ऑब्वियसली बात है, और एक क्वेश्चन बैंक होना चाहिए। अब इसमें से तुमको यहां से कौन कौन से रिसोर्सेस मिल जाएंगे, लेक्चर्स अब तुमको सारे सब्जेक्ट्स के मिलने वाले हैं।
ठीक है, मतलब कि हाँ जी तुमने सही सुना कि अब हम हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर्स इनको भी नहीं छोड़ने वाले हैं, मेनली हम इंग्लिश से स्टार्ट करेंगे। सोशल साइंस के अंदर भी तुमको सारी चीजें मिलेंगी, और हमने टीम जो है थोड़ी सी बड़ी कर ली ताकि तुम, मैं भाई अकेली नन्नी से जान तुमको बताइए कितने वीडियो बन सकते हैं, तो इसलिए हमारे पास में बहुत ही तगड़े लोगों की टीम है। ठीक है, तो अगर मैं तुमसे सोशल साइंस की बात करूं तो सोशल साइंस के अंदर तुमको बहुत मजा आता है मुझसे सुनने में, तो जो कहानी वाला पोर्शन है जो हमारा हिस्ट्री हो गया और हमारे पास में सिविक्स हो गया वो मैं तुम लोगों को कराऊंगा, और उसके अलावा जो बची हुई दो चीजें यानी कि हमारे पास में जो ज्योग्राफी हो गया और जो इकोनॉमिक्स हो गया वो तुम लोगों को कराएंगे तुम्हारी अनुष्या दीदी। और जो हमारे पास में इंग्लिश है वो भी अब हम करेंगे, तो इंग्लिश तुमको पढ़ाएंगे तुम्हारी तानिया दीदी या तानिया मैडम, बोलो जो बोलना तुम बोलो। तो बहुत ही मस्त मस्त लोग हैं, हमको बहुत मजा आएगा सबसे पढ़ने में। ठीक है, और आगे चल के हम हिंदी और कंप्यूटर्स भी टूवर्ड्स नेक्स्ट वीक तक ले आएंगे, तो सारी की सारी चीजें तुमको इस चैनल के ऊपर देखने को मिलेंगी वन शॉट लेक्चर्स के अंदर, तो एक एक शॉट में तुम्हारे सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो रहे होंगे, तो उस चीज का हम बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखने वाले हैं। ठीक है, ओके, तो देखो मस्ट हैव रिसोर्सेज में तुम्हारे पास में लेक्चर्स यहां से मिल गए, नोट्स जो है वो तुमको पढ़ने पे मिलते ही आ रहे हैं, पढ़ने पे मिल जाएंगे, एनसीईआरटी तुम्हारे पास हो गया, और एक क्वेश्चन बैंक चाहिए तो क्वेश्चन बैंक जो मैं पर्सनली प्रेफर करता हूं, मैंने अभी एक क्वेश्चन बैंक देखी मेरे पास में वाली है ओसवाल की, जो क्वेश्चन बैंक है वो है मेरे पास में, मैंने साइंस और मैथ सारे सब्जेक्ट्स की ली थी, देखो साइंस मैथ सारी मेरे पास में, तो मैं इसमें तुमको मुझे बहुत सही चीज लगी कि सबसे पहली चीज तो यार इसमें ये कि तुमको है ना इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, तो नो मैटर व्हाट तुम्हारी एग्जाम कोई सी होती है तुम्हारे पास में ये बुक बहुत मदद करने वाली है, क्योंकि इसके अंदर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों है, और साथ में इसमें चैप्टर के मतलब हर चीज के स्टार्ट में तुम देखोगे यहाँ पर, देखो बहुत प्यार से ना यहाँ पर फ्लो चार्ट में नोट्स बना के दिए हुए हैं, ये देखो पूरे के पूरे तुमको नोट्स देके रखे यहाँ पे ताकि तुम इजीली चैप्टर एक रिवाइज भी कर लो, तो एग्जाम के दो दिन पहले काम आने वाली जो बुक है वो ये वाली बुक रहने वाली, तुमको बहुत काम आएगी क्योंकि इसके अंदर ना लेजिट क्वेश्चंस बहुत अच्छे से दे रखे हैं, केस बेस्ड भी है, मतलब सारे टाइप के क्वेश्चंस तुम्हारे पास में, तो तुमको कहीं भाग दौड़ करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। और एक और चीज है कि ना सुंदर बहुत है, मतलब बुक भाई मैं पर्सन बताऊं तो मुझे ऐसा लगता है कि यार बुक जो है ना दिखने में मस्त लगनी चाहिए, ऐसे फील आने चाहिए कि हम बुक पढ़ रहे हैं, तो इसके अंदर ना सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से बाइफर्केटेड है, तो आई हाईली रिकमेंड तुम ये बुक ले सकते हो अपने आसपास कोई तुम्हारी दुकान हो, गुप्ता जी, संघवी जी, जिसकी भी दुकान हो, या फिर तुम ऑनलाइन लेना चाहो तो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक छोड़ दूंगा, तुम अमेजन से अभी ऑर्डर कर दो ताकि जल्दी आ जाए, वरना क्योंकि अमेजन से हमें टाइम लग जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, और लेटर ऑन हम सैंपल पेपर्स की तरफ भागेंगे, तो अभी तुम लोगों के पास में मैंने ये देखो अब जो है हम मेन अनाउंसमेंट कर देते हैं जो कि है कि भैया लेक्चर्स कब कब कौन कौन से आने वाले हैं, तो नेक्स्ट एक वीक का जो प्लानर है तुम्हारे पास में रेडी है, 15 जैन तक के सारे लेक्चर्स तुम्हारे पास में अलाइंड है, इसके बाद के भी अलाइंड है पर उनकी थोड़ी सी एडिटिंग चल रही है, ये सारे जो लेक्चर्स है तुम्हारे पास में ये सारे के सारे तुमको देखने को मिलने वाले हैं, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कल से कहानी को, जिसके अंदर तुम्हारे पास में द स्नेक ट्राइंग करके एक चैप्टर जो इंग्लिश में तुम्हारे, ठीक है, तो इंग्लिश की कहानी तुमको अच्छी सी लगी तुम अगर स्टार्ट करो पढ़ना तो तुम्हारी तानिया दीदी तुमको पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद मैं आऊंगा वापस से एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स कराने के लिए, फिर हम ड्रेनेज पढ़ेंगे ज्योग्राफी का, फिर हम पॉलीमर्स पढ़ेंगे, फिर से मैं पढ़ाऊंगा मतलब मैथ्स और साइंस जो है वो तो मैं ही ले रहा हूं, और सोशल साइंस के कुछ पार्ट जैसे कि हिस्ट्री हो गया या फिर सिविक्स हो गया कुछ 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 उसमें सेशन वगैरह मैं लेता रहूंगा, बट मेनली साइंस मैथ्स तुम मुझसे देखने को, तुमको मेरा चेहरा देखने को मिलेगा, फिर हम देखेंगे नो मैनर फॉरेन जो कि 13 जन को होगा, और फिर वर्क एनर्जी पार्ट जो कि 14 जनवरी को होगा अगेन फिजिक्स का, और यहां पर 14th ऑफ जन को हमारा फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि हमने ग्रेविटेशन ऑलरेडी कर लिया और वर्क एनर्जी पार्ट के साथ में हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा, फिर 15th जन को हमारे पास में इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। ठीक है, तो कुल मिलाकर हमारे पास में तुम देखो तो जो तुमको लेक्चर्स की कमी लग रही थी ना कि भैया यार लेक्चर्स नहीं आ रहे, मेरे पास में बहुत सारे मेल्स आते थे कि भैया आप इस चैनल पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो, ये नहीं दे रहे हो, मेरी जान देखो थोड़ा सा समय लगता है करने में, पर अब तुम्हारे पास में किसी चीज की कोई समस्या नहीं क्योंकि तुम्हारे पास बैक टू बैक लेक्चर्स आने वाले, बैक टू बैक लेक्चर्स आने वाले, तुम देखते जाओ। ठीक है, बीच में एक दो दिन का गैप है ताकि तुम रिवाइज करवाओ और कुछ कुछ अनाउंसमेंट हम कर दें उस टाइम पे। ठीक है, तो ये चीज का तुम बहुत अच्छे से ध्यान रखो, और एक और चीज तो बेसिकली तुम लोगों को ये अनाउंसमेंट देनी थी कि यार अब सारे सब्जेक्ट्स हमारे पास आएंगे, तो मैंने थोड़ा सा मैं मतलब चाहता था ऐसे बहुत ही धूमधड़ाका करके कर देता, पर सोचा कि यार नहीं यार तुमको ऐसे नॉर्मल करता तुमको ज्यादा फील आएगी जब मेरे चेहरे से तुम सुनोगे, तो वरना ऐसे टेक्स्ट लिखा होता तो इतनी अच्छी फील नहीं आती है। और एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट भैया, न्यू ईयर का सरप्राइज क्या है हमारे लिए, तो मेरी बात सुनो, न्यू ईयर का सरप्राइज ये है कि जितने भी लोगों को विक्ट्री बैच में एनरोल करना था, विक्ट्री बैच अगर तुम लोगों को नहीं पता है तो विक्ट्री बैच एक कोर्स है जिसके अंदर तुमको लेक्चर जो है वो जैसे वन शॉट नहीं, उसमें बहुत डिस्क्रिप्टिव लेक्चर्स हैं, तुम्हारे पास में फीचर्स में वहां पर ये कि तुमको डेली होमवर्क मिलता है, हर वीक टेस्ट होती है, हर वीक लाइव इंटरेक्शन होता है मेरे साथ में या जो भी तुम्हारे एडुकेटर्स उनके साथ में, 9th और 10th दोनों के लिए अवेलेबल है, और इसके अंदर तुमको लाइव डाउट सॉल्विंग मिलता है जब तुम क्लास देख रहे हो, जब तुम जैसे मेरा लेक्चर आ रहा है शाम के 5 बजे, ये सब स्केड्यूल्ड है, ये सब ऑलरेडी अभी से स्केड्यूल करे हुए हैं, और जब भी तुमको कोई डाउट जैसे मैं पढ़ा और तुमको डाउट आया, तुमने कमेंट्स में डाउट पूछा तो तुमको वही के वही हाथों हाथ उसका आंसर देखने को मिल जाएगा। तो ये है खासियत विक्ट्री बैच की। इसके अंदर जो लोगों को प्रॉब्लम आती है, तुम बहुत से लोगों को लग रहा था कि यार भैया हमको वापस से एक चांस ये विक्ट्री बैच में एनरोल होने का, तो विक्ट्री बैच में तुम एनरोल हो सकते हो, न्यू ईयर सेल चालू हो गई है। ठीक है, तो वापस से 50% का डिस्काउंट तुम लोगों को देखने को मिलेगा, एन जैसे पहले विक्ट्री 50 कोड था अब एन वाई 50 कोड है,
NY50 कोड को जब तुम अप्लाई करोगे तो 50% डिस्काउंट अप्लाई हो जाएगा और तुम इस बैच के अंदर इस कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हो। और इसके अंदर एनरोल के बाद गारंटीड तुम्हारी तगड़ी पढ़ाई होने वाली है, बहुत तगड़ी प्रिपरेशन होने वाली है। तो ये भी एक तुम्हारे लिए सरप्राइज है न्यू ईयर वाला। तो अगर तुम चाहो, तुमको वो एक्स्ट्रा फीचर्स चाहिए तो तुम डाउटनेट के ऊपर जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक करके या फिर एक कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है यहां पर कॉल करके जानकारी ले सकते हो तुमको कैसे इसके अंदर एनरोल करना है। 50% का डिस्काउंट अगेन वापस से आ चुका है बहुत लिमिटेड टाइम के लिए, तो फटाफट जाके इसमें एनरोल हो जाओ। अब देखो अगर मैं तुमसे बात करूं कि हमारे पास में देखो अभी एक शेड्यूल तो आया नहीं, एक बार हमारे उसमें 10th की डेट शीट आएगी तो उसके हिसाब से हम थोड़ा सा एनालाइज कर सकते हैं कि 9th की कब होने वाली, बट फिर भी हम तैयारी ऐसी ही रखेंगे कि हमारे 30 डेज के अंदर या फिर आने वाले 40-48 डेज के अंदर हमारे पास में मैक्सिमम चीजें मैक्सिमम पोर्शन कंप्लीट हो जाए। तो इस जो शेड्यूल है इसके साथ में तुम्हारे लेक्चर्स है वो ऑलमोस्ट जनवरी के एंड तक ऑलमोस्ट सारे सर हो जाएंगे, अगर नहीं होंगे तो हम उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे। और फेब के सेकंड वीक तो हम पूरा ट्राई करेंगे कि पूरा का पूरा सिलेबस तुम्हारा ऑलमोस्ट यहां पर कवर हो जाए और साथ में तुमको मेंटीज वगैरह भी देखने को मिले, ये सारी चीजें भी देखने को मिले और विक्ट्री बैच के अंदर भी उसी टाइम के अराउंड तुम्हारे पास में सारे डिस्क्रिप्टिव लेक्चर्स भी कंप्लीट हो जाएंगे। तो सिलेबस का तुम्हारा पूरा ध्यान रखा जाएगा। पर अगर मैं तुम लोगों को एक आइडिया दूं तो तुम बस इतना काम करो, एक चीज तुम लोगों को जो बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान देने वाली, कि तुम ऐसा ना करो कि यार एग्जाम पता नहीं होगी कि नहीं होगी तो हम आज बैठ जाएं, क्या पता कल को एग्जाम उन्होंने अनाउंस कर दिया कि भैया एग्जाम तो होगी, तब क्या कर लोगे, तब किसके पास भटकोगे। तो अभी तैयारी करने में क्या जा रहा है, तुमसे कोई बहुत ज्यादा मेहनत करने का बोल रहा है क्या, नहीं बोल रहा है, ठीक है। तुमको एक स्ट्रेटजी अगर तुमको बताऊं, तुमको बस इतना सा करना है कि ये फ्लो का ध्यान रखना है, तुमको इसके अलावा एक किताब एक शब्द पढ़ने की जरूरत नहीं जो मैंने तुमको फ्लो बताया उसके अलावा। इतना अगर तुम कर लोगे तो तुम बहुत अच्छी पोजीशन में हो। और लगता ही क्या है मेरे भाई, देखो वन शॉट लेक्चर अगर तुमने देखा मेरा तो तुमने एक एक घंटे के अंदर लेक्चर देख लिया, एक मैक्सिमम एक घंटे का होता है, फिर उसके अंदर तुमने एक घंटा इंसर्ट एडिट कर ली, दो घंटे यहां पे दे दिए, उसके अंदर तुमने उसके कुछ क्वेश्चन वगैरह कर लिया, तो मुश्किल से अगर तुम दो दिन भी दो तो एक दिन में तुमको दो घंटे के आसपास देने पड़ेंगे और तुम्हारा एक एक चैप्टर कंप्लीट होता चला जाएगा। अगर तुमको थोड़ी डिस्क्रिप्टिवली करना है, तुमको बिल्कुल ऐसा चाहिए कि तुमको ही सब कुछ मिल जाए, तुमको ढूंढना ना पड़े, तो तुम विक्ट्री बैच में एनरोल कर सकते हो जहां पर हर लेक्चर का तुमको होमवर्क मिलेगा 8-10 क्वेश्चन का, तो वो चीज थोड़ी अलाइन रहेगी, मतलब वहां पर ऐसा रहेगा कि तुम्हारा प्रॉपर एक टाइम टेबल रहेगा और तुमको उसको फॉलो करना है तो तुम्हारा काम हो जाएगा। यहां पर ऐसा है कि तुम अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर सकते हो। तो दोनों ही चीजें तुम्हारे पास में, दोनों ही ऑप्शन तुम्हारे पास में अवेलेबल है, बस इस चीज का ध्यान रखो कि हम हाथ पे आते रहे बैठे ना रहे, अरे चलो भैया जब एग्जाम का वो आएगा अनाउंसमेंट तो हम देख लेंगे यार, जब सैंपल पर आएगा तब देख लेंगे। अभी सब चीजों की तैयारी रखो, एमसीक्यू की भी तैयारी रखो, हमारे सब्जेक्टिव की भी तैयारी रखो। इसलिए मैंने बोला कि यार जो मैं क्वेश्चन बैंक बता रहा हूं तुमको डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसको तुम देखोगे तो तुम्हारे पास में उस इनफैक्ट बुक्स भी, मतलब जो बुक्स बना रहे हैं वो लोग भी इस चीज का ध्यान रखेंगे, एमसीक्यू और सब्जेक्टिव दोनों देना हमको। तो हम तो बच्चे हैं, हमको तो पढ़ना है, वो तो हमको दे रहे हैं, उसको यूटिलाइज तो हमको करना है, मार्क्स उनको थोड़ी मिल रहे हैं, मार्क्स तुमको मिल रहे हैं। तो तुमको तो इस चीज का ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा कि हम अपनी तैयारी को बहुत अच्छी तरीके से करें, थोड़ा सब्जेक्टिव सेंट्रिक रखो ताकि एमसीक्यू भी सॉल्व हो जाए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि एमसीक्यू सेंट्रिक अगर तुम पढ़ रहे हो तो तुम सब्जेक्टिव बड़े आंसर्स नहीं लिख पाओगे, पर अगर तुम सब्जेक्टिव के हिसाब से पढ़ रहे हो तब तो तुम एमसीक्यू पक्के ही कर लोगे। तो सब्जेक्टिव सेंट्रिक रखो थोड़ी सी, बाकी तुम देखते कि आगे क्या क्या होता जाता है, जैसे जैसे कुछ भी नहीं होगा तुमको अनाउंसमेंट सारी यहां पर देखने को मिली जाएगी, तुमको यहां पर तो सारी चीजें देखने को मिल रही है। तो बहुत सारे लोगों को लगता है भैया आपने तो उधर कर दिया इधर कर दिया वगैरह, कुछ नहीं किया मेरी जान, यहां पर जो आ रहा है तो यहां पर आ ही रहा है, ठीक है। इनफैक्ट यहां पर तो और ज्यादा कॉन्टेंट भी आने वाला है, इंग्लिश वगैरह सारे सब्जेक्ट आ रहे हैं, पर अगर तुमको एक्स्ट्रा एज चाहिए, तुमको वो स्पेशल अटेंशन चाहिए, तुमको वो शेड्यूल चाहिए, तुमको वो लाइव डाउट सॉल्विंग चाहिए, तुमको होमवर्क वगैरह चाहिए, तुमको डेली प्रैक्टिस करनी है, हर वीक तुमको एक टेस्ट चाहिए, लाइव इंटरेक्शन चाहिए, तो वो वाले फीचर्स के लिए तुम डाउटनेट के ऊपर जाकर विक्ट्री बैच में एनरोल कर सकते हो। तो ये तुम्हारे दो सरप्राइज होगा, यूट्यूब वाले भी धमाका कर दिया और विक्ट्री बैच में फिर से हमने एक और धमाका कर दिया। तो विद दैट बीइंग सेड आई होप यू गाइस एंजॉयड इट। अब कल से शुरुआत होगी हमारे लेक्चर्स की और बहुत मजा आने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर या फिर कल जो है वीडियो के अंदर। तुमको तुम्हारी तानिया दीदी और अनिशा दीदी के साथ पढ़ने में बहुत मजा आने वाला है, ठीक है, और मैं तो रहूंगा इसी ऑब्वियस बात है। तो दैट बीइंग सेड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, आई होप यू गाइस एंजॉयड इट। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं तुम्हारे लिए कॉन्टेंट लाने के लिए। भाई जब मैं वीडियो अपलोड कर रहा था अभी, सब वीडियो जो है प्राइवेट में डले हुए हैं, धीरे धीरे करके सब प्रीमियर होंगे, तो मुझे ऐसी खुशी हो रही थी कि भैया तुम लोगों को देख के तो मजा आ जाएगा, वो चीज तुमको बहुत मजा आएगी, बहुत मजा आएगा देखने में। तो यार उसके लिए एक्साइटेड रहो, लाइक जरूर करना वीडियो के अंदर, क्योंकि जो तुमको प्रॉमिस करते हैं भैया सारे सब्जेक्ट ला के रख देंगे हम मिलकर तुम्हारे लिए, वो यहां पर तुम्हारे सामने आने वाला है। तो बस फिलहाल के लिए इतना ही, आओ फिर जो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।